कश्मीर के पहलगाम से, और ये जो पानी निकल रहा है इसको यहाँ के लोकल लोग तो ये बता रहे हैं कि ये शेषनाग से आता हुआ पानी है। ये चंदनवाड़ी जगह का नाम बहुत शोर है जो पानी का है। पानी के ऊपर जितना ये वाइट पोर्शन दिखाई दे रहा है ये सब आइस है, ये गिरी हुई स्नो है जो अभी तक मेल्ट नहीं हो पाई। जहाँ पर मैं खड़ी हूँ उसके आगे भी ये सब स्नो ही है। ये वो स्नो है जिसमें मिट्टी लग गई है, सब स्नो है, ये सब स्नो दिखाई दे रहा है। ये हमारे सैलानी ऊपर तक चढ़ के गए हैं, मुझे आपको पानी दिखाना था निकलता हुआ, तो ये दिख रहा है। देखिए ऊपर बर्फ़ जमी हुई है पूरी, कम से कम अगर फुट में नाप दे तो 5-6 फिट तो दिख ही रही है, और उसके नीचे से ये बहता हुआ पानी, और ऊपर ऊपर ऊंचाई पे पहाड़ है। तो ये रहा आपका कश्मीर का नज़ारा। यहाँ तक लाते होंगे लंगर खिलाने के बाद, अमरनाथ यात्रा की रास्ता ये नीचे कहाँ नीचे पर हम नहीं जा पाएंगे। अरे नहीं नहीं स्लिप कर रहा है, आप डरो मत। ये जो सीढ़ियाँ बनी है यहाँ से चढ़ते हैं सैलानी अमरनाथ यात्रा के लिए। ये जा रहे हैं, देखिए कुछ लोग जा रहे हैं अमरनाथ यात्रा के लिए, नहीं जा रहे हैं देखने के लिए जा रहे हैं, और यहाँ से चढ़ते हैं लोग, सीढ़ियों को चढ़ते हैं और सीढ़ियों को चढ़ते हुए आगे बढ़ते हैं। ये जा रहे हैं, इतनी ही ठंड इस समय, अच्छी खासी ठंड है। और ये आ गए, ये दिख गया हमें, ये सीढ़ियों से रास्ता शुरू है, आगे जिसकी यात्रा जब शुरू होगी तो स्टार्ट होगा। और ये सब बर्फ़ है, काली ज़रूर दिख रही है पर सब बर्फ़ है, बर्फ़ ही बर्फ़ है, लोग चढ़ रहे हैं। ये बर्फ़ थिकनेस होगी कम से कम नैनी भी तो 15 फिट के आसपास, जहाँ जूते नहीं पड़े हैं, जहाँ पैर नहीं पड़े इंसान के वहाँ सफ़ेद है ये बर्फ़ का गोला फेंकता हुआ बच्चा, और जहाँ जूते पड़ गए हैं वहाँ वो काली हो गई है क्योंकि नीचे मड है।